वेलकम डॉग लवर्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें फ्यूचर वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डाइट प्लान आपको पसंद आएगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए 3-4 टेबल्स हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इस टेबल्स को अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको अपने डॉग के लिए एक बेहतर होम डाइट प्लान बनाना। ओके, इसमें सबसे पहले टेबल ये है कि हमें पता होना चाहिए हमारा डॉग की क्या कैटेगरी है। जैसे कि हम छोटे ब्रीड भी रखते हैं, बड़े ब्रीड भी रखते हैं। ओके, तो इसमें 5 कैटेगरी है। टॉय ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड है, मीडियम है, लार्ज है, जायंट ब्रीड है, राइट। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डॉग किस कैटेगरी में आता है, उसी हिसाब से हमें क्वांटिटी देनी है फूड की डेली। और फूड की क्वांटिटी का कैलकुलेशन हम करेंगे आपके डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए, उसके बाद उसका बॉडी वेट कितना है, तो उस हिसाब से हम देंगे। तो इस टेबल में मैंने आपको लिस्ट आउट किया हुआ है कि अगर आपका डॉग टॉय ब्रीड में है तो आपको 5% ऑफ हिज बॉडी वेट जो है उसका डेली फूड रहेगा। स्मॉल ब्रीड है तो 4% ऑफ हिज बॉडी वेट, मीडियम ब्रीड है तो 3%, लार्ज ब्रीड है तो 2%, और जायंट ब्रीड है तो 1.5% ही देना चाहिए। याद रखिए, अगर आपका आपका डॉग पपी स्टेज में है तो आपको जो ये परसेंटेज है उसको तो निकालना ही है, प्लस आपको जो परसेंटेज आएगा वो उसकी क्वांटिटी का दोगुना देना है अगर आपके पपी की एज जो है वो 6 महीने से नीचे है। ओके, बस आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सेकंड जो आपका जो टेबल है इंपॉर्टेंट ये है कि हम अब देंगे क्या। मान लीजिए हमने फूड की क्वांटिटी निकाल ली कि हमें इतनी ग्राम से, फॉर एग्जांपल हमें 500 ग्राम फूड हमें देना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 3 वाइटल चीज़ें हैं जिसको मैंने अलग अलग बाइफर्केट किया हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रोटीन। उसके बाद सेकंड पे है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द लास्ट वन इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, ये 3 कैटेगरी है, मैंने क्वांटिफाई किया हुआ है। इन 3 कैटेगरी को मैंने डिवाइड किया है कि कितना परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि डॉग की क्या स्टेज है, मतलब कि उसकी पपी स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, एडल्ट में अलग होगी और सीनियर में अलग होगी। तो अगर आपका पपी एज है तो आपको जो है 60% प्रोटीन खिलाना है, 20% आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा और वेजिटेबल एंड प्रोटीन 20% रहेंगे। ओके, तो 60-20-20 का रेशियो है। अगर आपका डॉग एडल्ट स्टेज में है तो आपको खिलाना है 50-25-25%। सिमिलरली सीनियर डॉग के लिए आपको खिलाना है 40% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 35%। ओके, तो ये टेबल होगी। अब हमें क्या क्या देना है, मतलब हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी देनी है एक दिन में, और उसके बाद हमें प्रोटीन कितना देना है, कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, विटामिन और मिनरल्स कितने देने हैं, फाइन। अब हमें क्या क्या देना है, इसमें क्या क्या आएगा, तो उसका ये चार्ट है, आप उसको याद रखिए। प्रोटीन सोर्सेज में आप यूज़ कर सकते हैं बोनलेस चिकन या लैम्ब मीट या चिवान मीट जिसे हम गोट मीट कहते हैं, या फिर डिबोन फिश यूज़ कर सकते हैं, या फिर एग बॉयल्ड या फिर रॉ एग। अगर रॉ एग यूज़ कर रहे हैं तो आप मेक इट श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक हो। ओके, रही बात प्रोटीन सोर्सेज की, बिकॉज हम नॉनवेज की बात कर रहे हैं तो आप ही ध्यान रखिए कि पपीज़ अगर उनकी एज 3 मंथ से नीचे है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज इनसे नहीं खिलाने हैं। आप यूज़ कर सकते हैं चिकन को या फिश को, बिकॉज आपको एग और लैम चवान यूज़ मत कीजिएगा। और चिकन को अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि पूरी तरह से मैश रहे, बहुत ही फाइन पीसेस में हो जाए। ओके, और तभी आप दीजिए, और अकेले मत दीजिएगा इसको, जो है कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जैसे कि ब्राउन राइस में आगे बताऊंगा उसके साथ मिक्स करके आप दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं देना है, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो स्टार्टर फूड ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद से आप जो है ये सब प्रोटीन सोर्सेज को आप डिलीजेंटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में मैं रखा हुआ इसमें ब्राउन राइस। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है, इनफैक्ट हम लोग को भी खाना चाहिए ब्राउन राइस, बट मोस्टली लोग नहीं खाते हैं। इसके अलावा ओट हम ले सकते हैं, जई, बार्ले, जौ, मिलेट्स, बाजरा या फिर स्वीट पोटैटो। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, आप इंडिविजुअली ले सकते हैं या फिर इनका मिक्सचर भी यूज़ करके बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स लिया है जो कि परफेक्टली सेफ हैं डॉग्स में। उनमें से हैं स्पिनैक, पालक, कैरेट्स, गाजर, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ग्रीन पी, मटर, लेडी फिंगर, भिंडी, पम्पकिन, कद्दू। ओके, तो ये सब आपके जो है वेजिटेबल्स हो गए जो कि परफेक्टली सेफ हैं डॉग्स के लिए। इनको आपको ध्यान में रखना है कि आपको इनको, अगर एडल्ट डॉग है या सीनियर डॉग है तो आपको रॉ भी आप खिला सकते हो चॉप करके फाइन पीसेस में, और अगर पपी स्टेज में है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जो है स्टीम बॉयल कर लीजिए। स्टीम बॉयलिंग से बेस्ट रहेगा, बिकॉज स्टीम बॉयल करेंगे तो विटामिन से मिनरल जो है वो स्पॉयल नहीं होंगे। कंप्लीट बॉयलिंग नहीं करनी है जैसे हम और खाना पकाते हैं, राइट। सिमिलरली फ्रूट्स में एप्पल, बनाना और पपाया है। एप्पल आई वुड रिकमेंड कि पपीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट बड़े लोगों के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपके डॉग में लूज मोशन है तो बनाना बहुत ही हेल्प करेगा आपको, ठीक है।
अगर आपके डॉग में वॉर्म्स हैं तो पपाया बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह के ये फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, ओके, रॉ दे सकते हैं, फुली राइप होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। कच्चा कभी भी कोई भी फल कच्चा नहीं देंगे, राइट। इसके अलावा होम मेड डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड किए हैं इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, बट कितने हैं ये नहीं पता रहता है, इसलिए हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हम कितना दे रहे हैं। इसलिए किसी चीज़ की कमी ना हो इसलिए मैंने आपको एक चीज़ और भी ऐड करना है आपको, इसमें है मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स, ओके। इनके सप्लीमेंट्स मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं और इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, तो इसको भी आपको ऐड करना है। सिमिलरली प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गट मोटिलिटी के लिए, मतलब उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत मजबूत रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन नहीं होगा डॉग को, ओके। तो प्रोबायोटिक्स लाइक गट विल पाउडर आप ऐड कर सकते हैं और अदर प्रोबायोटिक्स भी हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। लास्टली आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी ऐड करना है, बिकॉज एसेंशियल फैटी एसिड लाइक अराकिडोनिक एसिड्स, लिनोनिक एसिड्स, देन ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स, दे आर वेरी वाइटल फॉर द स्किन हेल्थ एज वेल एज कार्डियक हेल्थ, दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये ऐड करना है, इसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, लिंसीड ऑयल इसे कहते हैं, अलसी का तेल, या फिर सोयाबीन ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल, इन सबको आपको यूज़ करना है। 10 से 15 ml आप ले सकते हैं और इसको मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हमें समझना है तो इसमें हम लेंगे लैब्राडोर को जिसका वेट 20 kg है, ठीक है, 10 मंथ का उसकी एज है। जैसे मैंने वेज डाइट में बताया हुआ है सेम मैंने वही एग्जाम्पल लिया हुआ है आज भी, ठीक है। और इसमें हम नॉन वेज डाइट प्लान में क्या करेंगे तो क्वांटिटी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो लैब्राडोर बिकॉज वो लार्ज ब्रीड है, ठीक है, तो उसका 2% ऑफ इट्स बॉडी वेट, मतलब कि 20 kg का 2% 400 ग्राम हुआ, तो टोटल जो है हमें 400 ग्राम फूड डेली खिलाना है, ठीक है। अब इसमें हम अगर हम दूसरी टेबल के बारे में बात करें जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम अगर हम अप्रोक्सीमेशन करें तो 60-20-20 का रेशियो आएगा, ठीक है, जिसमें जो है प्रोटीन जो है आ जाएगी 240 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 80 ग्राम्स और वेज और फ्रूट्स आ जाएंगे 80 ग्राम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटीन जो सोर्सेज हैं उसमें हम बोनलेस चिकन ले सकते हैं, लैम ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं या बॉयल्ड एग ले सकते हैं, ओके। हम सिंगल ले सकते हैं या फिर हम इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एज पर योर विश, ओके। और मेरे हिसाब से तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेली जो है वो सभी चीज़ का मिक्सर मत दीजिए, आप जो है वीकली ले लीजिए। जैसे एक हफ्ते बोनलेस चिकन देना है तो सेकेंड वीक आप लैम दीजिए, थर्ड वीक आप फिश दीजिए और फोर्थ वीक एग दीजिए, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स तो सेम ही रहेगा, इसमें हम ब्राउन राइस, ओट या बाजरा ले सकते हैं 80 ग्राम्स, कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं या सिंगल ले सकते हैं। इसको कम्प्लीटली कुक करना है जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स को अगर प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो फिर वो मतलब कि फर्मेंटेशन कर सकता है तो गैस बन सकती है। और उसके अलावा वेज और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ये भी 80 ग्राम रहेगा, तो इसमें स्पिनैक और कैरेट या एप्पल का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो ब्रांडेड क्वालिटी का हम ऐड करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल या लिनसीड ऑयल आप जो भी मिल जाए और उसको हम 10-15 ml आपको इसमें डालना है, ओके। और अगर हम कैल्शियम की अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो पाउडर एक्सेल भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के सोर्सेज मिल जाएंगी। इसको क्या करना है, आप कम्प्लीटली इसको ड्राई कर लेना है एक्सेल को, मतलब उसका जो आउटर कवर रहता है, कोटिंग रहती है, उसको हमें पूरी तरह से ड्राई करके उसको फिर ब्लेंडर में इसको पूरी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद जो है आपको डेली जो है हाफ टी स्पून टू 1 टी स्पून देना है, ठीक है, बिकॉज ये लार्ज ब्रीड है तो हाफ टी स्पून इज़ मोर देन सफिशियंट डेली। आप इसको कम्प्लीटली मिक्स कर लीजिए थॉरली और डिवाइड कर लीजिए 2-3 पार्ट में और आप इसको डेली खिलाइए। इस तरह से आप जो है एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, होप सो आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल लगा होगा। अगर आपको अपने डॉग के लिए अभी भी कोई समस्या है, इसके बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे डाइट प्लान की कंसल्टेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट डाइट प्लान के अलावा हेल्थ की कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने पपी के लिए, अपने डॉग के लिए। और इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा फीस लूँगा, ये फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है, आपको कोई अपनी तरफ से हेडेक नहीं लेना है, तो फिर आई कैन फॉर्मुलेट द बेस्ट फूड प्लान फॉर योर डॉग एंड पपी। तो प्लीज़ मुझे आप कंसल्ट कीजिए, मेरे डॉग एंड वेट पे मेरा नंबर दिया हुआ है, और नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं, मेरा नंबर है 8874829298, डॉक्टर मिश्रा, ओके। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।